चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। समझ में आया? जब वो अपना पूरा चक्कर लगाती है तब कितना घंटा लेती है? 24 घंटा, अपना 24 घंटा। तभी हमारे यहाँ 12 घंटे दिन और रात होता है। समझ में आया? और जब वो सूरज का पूरा चक्कर लगाती है तब क्या होता है, पूरा एक साल में लगाती है। एक साल में कितने दिन रहते हैं? 365, यानी 12 महीना। सूरज का इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है? महीना 12। और सिर्फ अपना चक्कर लगाने में कितना लगता है? 24 घंटे। ठीक है, समझ में आया? दिन और रात कैसे होती है? सूरज जब जमीन जब अपनी जगह घूमती है उससे दिन और रात होता है, जब पूरा चक्कर लगाती है पूरा साल होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, मौसम चेंज होता है, ठंडी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, पतझड़ आते हैं, सदाबहार यानी पतझड़। जब झड़ जाते हैं तो हर जगह फिर नए नए पत्ते खिलते हैं ना, पौधे खिलते हैं, हर जगह हरियाली रहती है ना, उसे कहते हैं सदाबहार। समझ में आया? तो अभी क्या समझ में आया, दिन और रात कैसे होता, कौन बताएगा? जमीन चक्कर लगाती है। किसका? सूरज का। सूरज का चक्कर लगाती है और अपना लगाती है ना चक्कर। अपना कितने घंटे लेती है अपना चक्कर लगाने में? 24। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात। जब अपने साथ अपने चक्कर के साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगाती है तब क्या होता है, पूरा एक साल। एक साल में कितने दिन रहते हैं? 365 दिन, 12 महीना 365 दिन का रहता है। समझ में आया? और मौसम भी इसी वजह से चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश जमीन के चक्कर लगाने की वजह से होता है। समझा? मैंने रात का बनाया। आप लोगों ने आपने किस कब का बनाया चार्ट? इसका मतलब क्या है? ये सारे जो काम है वो कब होते हैं? दिन में होते हैं। दिन में क्या क्या होता है? दिन में पेड़ काटे जाते हैं और मछलियाँ पकड़े जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे और घर चले जाते हैं। और आपने कौन सा बनाया अभी का? रात वाला। तो क्या क्या काम होता है?